हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। और जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी है और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है यदि आपकी थोड़ी सी भी तैयारी है। और इतनी हेल्दी है, आप इसे रोज़ बनाकर खा सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप लंच में खा सकते हैं, या आप इसे सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। और यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलिए अपनी रेसिपी देखते हैं, आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम कॉर्न की चाट बनाने वाले हैं। ये मैंने कॉर्न को पहले ही बॉईल करके रख लिया था। अब हम और बाउल में कॉर्न को ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि आप पहले से तैयार कर लेंगे तो हमें बनाने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो अब हमने कॉर्न डाल दिए हैं, इसी के साथ हम रोस्टेड पीनट डाल देंगे। यदि आप खाते हैं तो पीनट डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। अब हम वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी कैरेट ले रही हूँ, ये मुझे पसंद है तो मैं कैरेट डाल देती हूँ। ओनियन डाल देते हैं, थोड़ा सा। एक मैंने टमाटर भी चॉप करके रख लिया था, उसे भी हम डाल देंगे। साथ ही हम कुकुम्बर, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। और यदि आप तीखा खाते हैं तो मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिली एक बारीक बारीक चॉप करके रख लीजिए, उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का भी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे देखिए मिक्स करेंगे। अब हम इसे मिक्स हो चुके हैं। आप इसे सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। अब आधा टीस्पून चाट मसाला लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। और टेस्टी बनाने के लिए हल्का सा इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट। और यदि आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देना है तो 1 टीस्पून हम इसमें भर के डालेंगे ये ग्रीन चटनी। ये धनिया और पुदीने की चटनी है, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये आम भी इसमें डला हुआ है, आम भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हल्का सा इसमें हम धनिया से इसे डेकोरेट करेंगे और आधा इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। इतना टेस्टी बनता है। यदि इस सैलेड को आप एक बार बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी सैलेड बनकर तैयार होगा। अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसे। यदि आप इसे सैलेड के रूप में खाना चाहें तो सैलेड के रूप में खा सकते हैं, और यदि आप इसे ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। इतना हेल्दी और टेस्टी है ये। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा हेल्दी सैलेड। आई होप आपको मेरी सैलेड की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर मैं आपका साथ आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी रेसिपी के साथ। टेक केयर, गुड बाय।